अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का थर्ड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने वेरीफाई कर क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और सेट वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसमें हमने पहले वेरीफाई क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करना है। ब्रैकेट वाली चीज़ हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने लिख लिया। ए सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। बी सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। सी सेट के एलिमेंट हमारे पास क्या है, 3, 6, 9, 12 and 15। ब्रैकेट वाली चीज़ हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। दोनों सेट के बिटवीन आपने इंटरसेक्शन का साइन पुट कर देना है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या था हमारे पास, दोनों सेट के एलिमेंट में जो कॉमन चीज़ है वो हमारे पास क्या है, वो इंटरसेक्शन। अब देखिए दोनों सेट के एलिमेंट में कॉमन चीज़ हमारे पास क्या है, 3 दोनों में कॉमन है और 9 कॉमन है। ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। ठीक है, उसके बाद हमने इस आंसर को ए सेट के एलिमेंट के साथ इसका इंटरसेक्शन निकाला है। अब देखें 3 और 9 ए सेट के एलिमेंट में है, नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखें 3 और 9 नहीं है तो इसका क्या मतलब है, मतलब इसका है खाली सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब हमने इसकी बनानी है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपने ऐसे बनानी है, 3 सर्कल लगा लेने हैं, ड्रा कर लेने हैं, वो तीनों सर्कल ऐसे होने चाहिए दूसरे को कट करते हो। ये देखें 1, 2 and 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, जो कॉमन एलिमेंट है बी और सी में, बी और सी के सर्कल में आ रहे कॉमन एलिमेंट, ये 3 और 9 कॉमन आ गए। ठीक है, अब उसके जो बाकी एलिमेंट्स रह गए वो कौन कौन से, बी सर्कल के, बी सेट के एलिमेंट जो कॉमन है जो रह गए थे वो कौन से हैं, 1, 5, 7 and 11। ठीक है, अब सी सेट के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से थे, वो आ गए हमारे पास 15। ठीक है, अब हमने यही आगे करना था उसके साथ ए के साथ। ए सेट के जो बाकी एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, 2, कोई भी हमारे पास यहाँ पे देखे कॉमन नहीं था तो इसका मतलब क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, जो ए सेट के एलिमेंट थे वो बाकी सारे ए सेट के में ही रह गए, 2, 4, 8, 6 भी आएगा यहाँ पे, नहीं नहीं वो कॉमन ए और सी में कॉमन था, वो जो ए सेट के एलिमेंट थे वो ए सेट में आ गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ए सेट में आ गए। जो बाकी एलिमेंट रह गए थे जो सी सेट के थे वो सी सेट में आ गए। ये हमारी वेन डायग्राम हो गई। अब हमने इसका निकाला राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने पुट क्या करना है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तीनों सेट्स के एलिमेंट लिखे। ब्रैकेट वाली चीज़ हमारे पास क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के दरमियान हमने क्या लगा लिया, ये दो सेट है आपके पास, इनके दरमियान हमने इंटरसेक्शन का साइन पुट किया। इनके दरमियान में क्या साइन पुट किया, इंटरसेक्शन का साइन पुट कर दिया। अब इनमें देखना कॉमन एलिमेंट क्या है, देखें 2 सेकंड सेट में नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 12 भी नहीं है, मतलब इसका क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। ये देखें, ठीक है, सी सेट के एलिमेंट्स आपने एज इट इज़ लिखने हैं क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करना है, एम्प्टी आ गया। अब हमने सी सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अब देखें ये हम ए वाला सेट जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था वो एम्प्टी आया था, इसको सी सेट के साथ किया तो ये क्या आया हमारे पास, एम्प्टी आया। अब देखें ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था, मतलब ए सेट का पूरा ही आ गया। ये देखें पूरे सेट के एलिमेंट्स ए में लिख दिए, बी सेट के पूरे एलिमेंट्स बी में लिख दिए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं था, एम्प्टी था ये। अब इसको सी के साथ किया, सी सेट के एलिमेंट्स क्या थे उसी के अंदर फॉल हो गए। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15 सी सेट के एलिमेंट्स में आ गए। ये हमारे पास हो गए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ए पार्ट 3 वाले क्वेश्चन का सेकंड वाले क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने लिख देना है हैंस प्रूव। अब हम इसका करेंगे बी पार्ट।
स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट। थर्ड वाले क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट एसोसिएटिव लॉ में, ठीक है। बी पार्ट में वेरीफाई क्या करना है, ए ए बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी क्वेश्चन के सेट के एलिमेंट्स हमारे पास तीन थे, ए बी सी, ठीक है। इनके एलिमेंट्स आपके पास क्या है, एक्स ओवर एक्स बिलोंग टू जेड एंड एट इक्वल लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 25। इस लाइन का मतलब इक्वल्स टू मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अगर ये लाइन नीचे इक्वल्स टू की लाइन लगी होगी तो आपने एट को इंक्लूड करना है, ठीक है। नहीं लगी होगी तो आप नाइन से स्टार्ट करोगे, और कहाँ तक हमने जाना है, 25 तक, सो ऑन, ठीक है। डॉट्स लगाने का मतलब ये है कि 25 तक काउंटिंग जानी है। उसके बाद y ओवर y बिलोंग z एंड माइनस टू, देखिए इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई, इसका मतलब है हमने माइनस टू इंक्लूड नहीं करना, माइनस वन से स्टार्ट करना है। लेस देन कहाँ तक जाना है हमने, 6 तक, ये देखिए इसके नीचे भी लाइन नहीं लगी, मतलब हमने 6 को नहीं लिखना, 5 तक स्टॉप कर देना, ठीक है। उसके बाद सी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, जेड ओवर जेड बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब क्या था, इंटीजर्स, कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू एट, एट को इंक्लूड करना है, क्योंकि इस लाइन का मतलब ही यही है कि एट को इंक्लूड करना है, सेवन तक नहीं लिखना। ये हमारे पास तीनों सेट्स के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। ए सेट के एलिमेंट एट से स्टार्ट हुए, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सो ऑन 25 तक। बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुए थे, माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तक, ये देखें, ठीक है। उसके बाद सी सेट के एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हुए, माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तक, ये हो गया। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को डिफाइन करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करना है, वो क्या है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी। हमने तीनों सेट्स के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो चीज़ हमने डिफाइन करनी है, इन दोनों सेट्स के बिटवीन हमने क्या लिख दिया, इंटरसेक्शन। अब हमने देखना है इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, कॉमन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है। बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, देखें, माइनस वन, ठीक है, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। यहाँ पे देखें सिक्स ने कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। उसके बाद हमने बी इंटरसेक्शन सी के आंस को किसके साथ करना है, ए सेट के एलिमेंट्स के साथ। अब हमने इसका क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखना, ठीक है, इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ए सेट के एलिमेंट्स के साथ हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने इसके आंस को राइट कर दिया अगेन, फोर फाइव। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है हमारे पास, हमने इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। देखिए इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, एट नाइन टेन, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 25 तक। अब यहाँ पे देखें ये 5 तक एंडिंग हो गया, तो मतलब इसका क्या है, यहाँ पे ये इसका मीन है ये एम्प्टी है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये एम्प्टी सेट है। अब हमने इसकी वेन डायग्राम देखनी है, देखें बी इंटरसेक्शन सी, अब हमारे पास जो बी इंटरसेक्शन सी का आंस आया, देखें वो बी सेट के जितने एलिमेंट्स हैं, ये देखें माइनस वन टू थ्री, ये इसमें सारे सी सेट के एलिमेंट्स में फॉल कर रहे हैं, ये देखें बी सेट के एलिमेंट जितने भी हैं वो सी सेट के एलिमेंट्स क्या के अंदर क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, ठीक है, माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसके सी सेट के जो बाकी एलिमेंट्स थे वो हमारे पास बाहर आ गए, सी सर्कल में आ गए, ठीक है, ये देखें सिक्स सेवन बाहर आ गए, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आया, ए सेट के एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही रहे, क्योंकि ये एक दूसरे को कुछ भी कॉमन नहीं था, ए सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो ए सर्कल में आ गए, देखिए एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सो और 25 का, ये हमारी वेन डायग्राम हो गई। अब हमने इसकी करनी है राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमने क्या डिफाइन करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों सेट के एलिमेंट्स लिख लिए हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हमने ब्रैकेट वाली चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करना था, तो हमारे पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या लिखना है, आंस लिखना है। कॉमन एलिमेंट देखें कुछ भी नहीं है हमारे पास, देखें ये एट से स्टार्ट हो रहा है, वो फाइव तक एंडिंग हो गया है, ठीक है, एम्प्टी सेट आ गया हमारे पास। यहाँ पे सी सेट के एलिमेंट्स को आपने ऐसे ही लिख देना, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ। यहाँ पे हमने क्या लिखना है,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों के दरमियान क्या साइन आया इंटरसेक्शन का, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ठीक है, अब इनमें देखें कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आया एम्प्टी सेट। एम्प्टी, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, वही वेन डायग्राम है जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइन करके बताई है। ठीक है, अब देखें ब्रैकेट वाली चीज़ में हमारे पास क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ए पूरा, और ये देखें बी सेट, बी सेट के जो सेट का सर्कल है वो भी सेपरेट है और ये भी सेपरेट है, ए सेट का कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी है ए सेट और ये बी। अब हमने इसको सी के साथ करना था, देखें सी सेट के एलिमेंट भी बिल्कुल सेपरेट है, एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव ये हमारा क्वेश्चन बी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का ए और बी पार्ट कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले।